हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और इतनी लेट ब्लॉग करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और कारण ये था कि आज जो सुबह मेरा 8 बजे ब्लॉग पड़ता था, तो लास्ट डे ऐसा हुआ कि मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया था। तो आज मैं पहले 4 बजे तक पूरा दिन का वो रूटीन शूट किया, फिर उसको अपलोड करा, फिर अभी नया ब्लॉग शुरू हो रहा है दरअसल। तो तब ये थोड़ी औच पौच हो गया आज, अदरवाइज तो मेरा बढ़िया सुबह 8 बजे आता। तो फिर नहीं तो कल भी मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हो जाती, और कल दिवाली है ऑब्वियसली। तो फिर आज मेरी लास्ट सफाई का दिन था, देख रहे हो एक बाल्टी स्टिल अभी निकल गई कपड़े धोने की। मैं इतने दिनों से कपड़े धो रही हूँ, कपड़े ख़त्म होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। जब से मैं घर से आई हूँ, घर से आई हूँ मैं 24 को शायद रेस्ट किया होगा, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आज ना 6 दिन से मैं कंटिन्यू कपड़े धो रही हूँ, कंटिन्यू कसम से कपड़े ही ख़त्म नहीं हो रहे। और देख रहे हो एक चीज़, इधर से भी लेंटर टूटी गई हो, ये टूटा नहीं है एक्चुअली, तोड़ा गया है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक और लेंटर पड़ेगा तो उसकी वजह से देख रहे हो ना पिल्लर वहाँ पे अटैच हो गया, मतलब ज़्यादा सो इधर बिल्कुल टच में पड़ेगा वो इस वाले लेंटर की सीध में पड़ेगा अगले वाला लेंटर भी ना। तो फिर काम बहुत है यार, काम हमको नहीं है लेकिन हमको देखना पड़ता है ना, तो फिर तब करके। और हाँ, फिर से एक कमेंट आया था कि आप आश्रम में क्यों रहते हो। मेरे को लग रहा है कि मेरे को एक लिख के रखना पड़ेगा कि हम क्यों रहते हैं आश्रम में, क्योंकि हमको घर से निकाला हुआ है इसलिए रहते हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को? नहीं भाई, क्योंकि हमारे पति देव यहाँ पे काम करते हैं तब रहते हैं, हम यहाँ पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, प्लीज़ अब कपड़े सुखाने की परंपरा शुरू करी जाए। कपड़े लग गए हैं और बस मेरा काम हो गया ख़त्म। अब मेरे लास्ट लॉर्ड है, मैं बिल्कुल कपड़े धोने वाली नहीं हूँ। कल तो ऐसे भी नहीं धोएंगे, कल दिवाली है ठीक है। परसों भी छुट्टी है शायद, पता नहीं छुट्टी है कि क्या। इस बार ना दिवाली 2 दिन है मतलब छुट्टी कैलेंडर में, तो फिर पता नहीं क्या है। और इस बार की दिवाली हमारी होने वाली है कुल्लू में। हाय, इतने कपड़े, मैं उनको देख के लग रहा है इतने कपड़े। सॉरी, तुम्हें पता है इतने कपड़े धोने को होते हैं ना। मैं बताती हूँ कपड़े का ये काम कर करके क्या हाल हो गया मेरे, देख रहे हो इस उंगली सड़ रही है मेरी उंगली, ये वाली एंड स्टिल अंगूठा भी सड़ रहा है। कर ले भाई फोकस, कब करेगा। देखो, देख रहे हो कैसे हाल, हाथ के हाल हो गए मेरे। ये एक्चुअली पता क्या है, इस हैंड हाथ में मेरे उस उंगली की ये बीमारी है। गर्मियों में ठीक रहती है, सर्दियों में फिर आ जाती है। सर्दियाँ शुरू हुई नहीं कि बीमारी आ गई। हे गाइस, अभी पता क्या है, हमारे पास सब्जी बहुत सारी घी है, इसमें ये वाली थी, हमारे पास जुकीनी पड़ी हुई थी, तो मतलब इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, घिया तो ये है ना, भूल गई इसका नाम, याद था मेरे को अभी। बस ये बनाएंगे आज, तेल रखते हैं मैंने चढ़ा के ना। और मैं एक चीज़ बताती हूँ सबसे पहले, ठीक है। कुछ मालाएं हैं, मतलब अभी देखूंगी मैं, यहाँ पे भी शायद भगवान जी के लिए दक्षिणा है, और ये है ऊपर के लिए तोरण वगैरह जो भी है भगवान जी के लिए, मतलब ऊपर मंदिर के लिए सजावट के लिए, किन्हीं ने दान करा है, लाइक दान कर, दान ही बोलेंगे ना, भगवान जी को कोई गिफ्ट दे रहे हैं इस तरह से। तो बस अब हम तड़का वगैरह लगा के फिर करते हैं मंदिर की सजावट। बट मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आई एम रियली सॉरी, आज शायद बता भी दूँ पता नहीं, मेरा मन पे डिपेंड है, मेरी गट फीलिंग देखेंगे क्या बोलती है। ठीक है, अभी मैं खोल रही हूँ सारी की सारी चीज़ें कि क्या क्या आया है, और आप लोगों को भी बताते हैं। ये एक माला, ये वाली, और ये वाली किसकी है, ठाकुर जी की। और ये क्या बोलते हैं, बीच में जो शोपीस जैसा लगेगा वो, वाव कलर्स भी दे दिए उन्होंने, ये कलर्स ही है ना,
चलो भगवान जी ने खुद ही भिजवा दिया सारा माल, चलो ठीक हुआ। एक ये और है, ये अभी देखूंगा मैं कहाँ कहाँ लगाऊंगा। ओ एक और रंगोली भी निकल रही है। अरे यार मेरे कपड़े भी हो गए खराब, नीचे भी कर दिया मैंने फिर। वाइट कपड़ों पे बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल गया। ओ सुंदर, अति सुंदर। अब मैं एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे देख रहे हो सेम ऐसा लगा है ना, वही सेम मिल गया मुझे। अभी मैं खोल खोल के रखूँगा ना फिर। अरे तो सारा सेम सेम ही है, बस यही माल आया जी, है ना उनकी तरह। अब सब कर लो सभी भगवान जी के दर्शन, फिर ना जो परे वाले दो भगवान जी रह गए ना, माता जी और ठाकुर जी ना, उनके बराबर लगेगा फिर, सारा सुंदर लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा ना। हम काफ़ी टाइम से सोच भी रहे थे कि बराबर एक जैसा हो। अभी बजेगी क्योंकि अब आरती का टाइम हो गया, तो फिर मैं जाती हूँ नीचे खाना वगैरह बनाती हूँ आरती वगैरह करके। पहले मैं इसको साफ करती हूँ ज़रा, मैंने यहाँ पे गंद डाल दिया बाबू भैया। ना ये रंगोली के पैकेट्स नीचे कोई लेके आ गए, क्योंकि कल बनाने हैं ना, तो मैं इधर जैसे रख लेती हूँ, क्यों क्या पता ये वाला फटा हो फिर सारे, अगर मतलब ऊपर हौच पहुँच हो जाएगी तब करके। अब मैं बनाती हूँ चपातियाँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे फिर, क्योंकि हमें ऊपर थोड़ी बहुत सजावट करनी है ना। मैं सीरियस लेता हूँ, मेरे को बिती सी एक्साइटमेंट भी नहीं है दिवाली की, पता नहीं क्यों हम ज़्यादा बड़े हो गए मेरे को लग रहा है। क्योंकि छोटे में एक होता था खाने की एक्साइटमेंट होती थी, अब तो खाने की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना भगवान जी ने इतना खिला दिया ऑलरेडी, इतनी सी भी नहीं एक्साइटमेंट है। बिना बोले हम इतना खा, मतलब भगवान जी ने दे दिया खाने को ना, क्या बताएं। मेरी सब्जी भी हो गई है तैयार, मैं चपातियाँ ही बनाऊंगी बस, चपाती बस, इसका पानी सूख जाए फिर ठीक है। अब लगे हम लोग खाना वगैरह खाने। हेलो, अभी हमने कर लिया मंदिर की थोड़ी बहुत सेटिंग जो हमने कल करनी थी, और मैं बताती नहीं बताऊंगा मैं कल ये बताती हूँ। और जो कि ये वाली मालाएं थी ना ऊपर ऊपर वाली, ये हमने सारे में लगवा दिया परे तक, और थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है ना, बाकी उतना भी नहीं है, मतलब एक जैसी लग रही है, सुंदर लग रहा है। और बस अब मैं करती हूँ आज का ब्लॉग यहीं पे संपन्न। बाय बाय।